हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक्निकल ऑफ पावर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मोबाइल हैंग प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब हम नया स्मार्टफोन खरीदते हैं, न्यू एंड्रॉयड मोबाइल खरीदते हैं, तो उसमें हमारी मोबाइल बेहतर परफॉर्मेंस देती है। लेकिन जैसे हमारी मोबाइल पुरानी होती जाती है, हमारा मोबाइल स्लो होने लगता है और हैंग होने लगता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसी हैंग प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम किसी भी मोबाइल के ऐप मेनू में जाएंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। कुछ इंटरफेस आने के बाद सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग को ओके करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सेटिंग खुलने के बाद इस तरह से खुलेगा। उसके बाद नीचे की ओर हम आएंगे। नीचे की ओर आने के बाद अबाउट फोन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अबाउट फोन को हम क्लिक करेंगे। अबाउट फोन क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में आएंगे। तो बिल्ड नंबर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सभी मोबाइल में अपना अलग अलग सिस्टम होता है, लेकिन बिल्ड नंबर बनाने के लिए किसी भी मोबाइल के सेटिंग में जाएंगे। सबसे पहले हम सेटिंग को ओके दबाएंगे। उसके बाद हम अबाउट फोन पे जाएंगे। अबाउट फोन को क्लिक करने के बाद सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। उसके बाद हम लोग इस तरह से बिल्ड नंबर पे पहुंचेंगे। बिल्ड नंबर को 7 टाइम क्लिक करेंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने ऑलरेडी कर रखी है। 7 टाइम क्लिक करने के बाद हम लोग बैक जाएंगे, तो एक नया डेवलपर ऑप्शन आएगा, जो कि हम लोग जैसा कि देख रहे हैं, देखिए डेवलपर ऑप्शन। सेटिंग में आने के बाद फिर हम डेवलपर ऑप्शन सर्च करेंगे, उस समय हमको दिख जाएगी डेवलपर ऑप्शन। डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद इसको ओके दबाएंगे, जैसा कि आप लोग देख, कुछ इस तरह से खुलेगा। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, एनिमेटर विंडो स्केल लिखा हुआ होगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एनिमेटर विंडो स्केल। देखिए आगे, एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, ये तीनों ऑप्शन आएंगे। विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल। तो विंडो एनिमेशन स्केल पे क्लिक करेंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। ओके, उसके बाद देखिए, ये एनिमेशन स्केल 1 पे है, उसको एनिमेशन स्केल 0.5 पे ले जाएंगे। हम लोग ले जाएंगे इस तरह से, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने पहले कर रखी है, आपको बताने के लिए ये बता रहा हूँ। उसके बाद हम ट्रांजेक्शन एनिमेशन स्केल पे जाएंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसको भी कुछ इसी तरह से एनिमेशन स्केल 0.5 पे ले जाएंगे। उसके बाद बैक जाएंगे। उसके बाद एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल, जैसे कि आप लोग इसको ओके दबाएंगे, फिर उसी तरह से एनिमेशन स्केल 0.5 पे जाएंगे, ओके दबाएंगे। उसके बाद बैक जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बैक की ओर चले गए। बैक आने के बाद हम लोग मोबाइल को रीस्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेरा हैंग प्रॉब्लम दूर हुआ कि नहीं। तो आशा करता हूं दोस्तों, इस ट्रिक को अपनाने के बाद आपका हैंग प्रॉब्लम 100% दूर हो जाएगा और आप अपना मोबाइल अच्छी तरह से यूज कर सकेंगे। तो दोस्तों, अगर ये आर्टिकल अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करना ना भूले, और प्लीज़ 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 दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।